लड़े दुश्मन को हराना ही आर्ट ऑफ वॉर है, यह कहना था सन त्ज़ु का, जिसने लगभग 3000 साल पहले आर्ट ऑफ वॉर की रचना की थी। यह किताब वॉर के साथ ही साथ जीवन जीने का भी आर्ट सिखाती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आर्ट ऑफ वॉर आपको जिंदगी जीतना कैसे सिखाती है। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी दोस्ती बनी रहे। नंबर एक, सन त्ज़ु कहते हैं कि युद्ध वही जीतता है जिसे पता है कि कब लड़ना है और कब नहीं लड़ना। सरल शब्दों में कहा जाए तो आपके रिसोर्सेज लिमिटेड है, आपका समय सीमित है, इसलिए आप हर काम नहीं कर सकते, आप हर युद्ध नहीं जीत सकते, अपनी शक्ति सही जगह लगाइए। नंबर दो, सन त्ज़ु आपसे कहते हैं कि आप बाज से कुछ सीखें, किस तरह वह सही समय का इंतजार करता है और एक ही झटके में अपने शिकार को लेकर उड़ जाता है। इसका मतलब है कि केवल काबिल होने से काम नहीं चलेगा, आपको सही समय का इंतजार करना होगा। सही समय से पहले या समय से बाद उठाया गया कदम आपके बरसों की मेहनत पर पानी फेर सकता है। नंबर तीन, सन त्ज़ु कहते हैं कि पहले अपने आप को समझिए, फिर अपने दुश्मन को समझिए। सबसे पहले आपको अपनी काबिलियत की समीक्षा करनी होगी, इसके बाद आपको उस काम को समझना होगा जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाने के लिए जरूरी है, फिर अंतिम में आपको अपनी काबिलियत को ध्यान में रखते हुए जीत का प्लान बनाना होगा। नंबर चार, सन त्ज़ु कहते हैं कि सर्वोत्तम युद्ध की योजना छल या धोखे या डिसेप्शन पर आधारित होती है। बात बहुत सरल है, अगर आपको अपने कंपटीशन से आगे बढ़ना है तो आपके पास एक यूनिक प्लान होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आपके दुश्मन या आपके कंपटीशन को आपके अगले कदम का कोई अंदाजा नहीं होना चाहिए। नंबर पांच, सन त्ज़ु कहते हैं कि आप तब काबिल नहीं हैं जब आप 100 युद्ध जीत जाएं, आप काबिल तब हैं जब आप युद्ध की परिस्थिति आने ही नहीं देते। सन त्ज़ु आपसे यह कहना चाहते हैं कि किसी भी तरह का युद्ध या झगड़ा दोनों ही पक्षों के लिए नुकसान लेकर आता है, इसमें अगर आप जीत भी जाते हैं तो भी आपको थोड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, इसलिए कुछ ऐसी योजना बनाएं कि आप अपने शत्रु या अपने कंपटीशन को बिना लड़े ही हरा दें। नंबर छह, सन त्ज़ु कहते हैं कि अफरा तफरी के बीच में अवसर है, यानी युद्ध में या व्यापार में जब अफरा तफरी का माहौल हो तब नए या कमजोर खिलाड़ी के पास मौका होता है कि वह इसका फायदा उठाए और पहले से एस्टेब्लिश खिलाड़ियों की जगह ले ले। नंबर सात, सन त्ज़ु कहते हैं कि एक अवसर दूसरे अवसर को जन्म देता है। सन त्ज़ु आपको बताना चाह रहे हैं कि आपको हर अवसर का फायदा उठाना होगा। अगर आप ऐसा करने में सफल रहते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी सफलता नए अवसर पैदा करेगी। नंबर आठ, अंत में सन त्ज़ु कहते हैं कि इतिहास गवाह है कि लंबे युद्ध की वजह से किसी देश का भला नहीं हुआ। सन त्ज़ु आपको समझाना चाह रहे हैं, अगर आपकी योजना सही है और आप काबिल हैं तो आपको जल्द ही परिणाम देखने को मिलेंगे, पर अगर ऐसा होता है कि आपको लंबे समय तक अपनी काबिलियत के अनुरूप परिणाम नहीं मिलते तो युद्ध विराम करना ही सर्वोत्तम है, ताकि आप अपनी ऊर्जा सही कार्य में लगा सकें। जाने से पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। हम हर हफ्ते आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए 2 वीडियो लेकर आते हैं। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।